हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे का जो टॉपिक हमारा रह गया था, सेकंड चैप्टर इनसाइड ओवर अर्थ। अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। हमने अर्थ के बारे में जाना, हमने जाना कि हमारा जो अर्थ के लेयर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड हो रखी हैं। नीचे से अगर हम शुरुआत करें, हमने बात करी इनर कोर आउटर कोर की। उसके बाद मेंटल में हमने जाना कि दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके ऊपर की तरफ जब हम आएंगे तो एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के ऊपर आता है क्रस्ट। क्रस्ट को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है सर, कौन सा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो जिस पर हम घूम सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ चलाते हैं, जहाँ पे पहाड़ हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, ये सारी हरकतें हम कहाँ करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में करते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी ओशनिक क्रस्ट की। ओशनिक क्रस्ट वो होता है हमारा जहाँ पे हम समुद्र तल की बात करने लग जाते हैं। ओशंस जो होते हैं हमारे, उन्हीं को हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं या ओशनिक फ्लोर्स भी कहते हैं, जहाँ पे पानी भरा होता है। तो ये दो पार्ट हमने डिवाइड करे अपनी क्रस्ट के। आगे बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है रॉक एंड मिनरल्स, ROCK, रॉक एंड मिनरल्स। एक चीज़ जानिए, जितनी भी चीज़ें धरती पर बनी हुई हैं हार्डकोर, वो किससे बनी हुई हैं सर, मिनरल से बनी हुई हैं। रॉक भी मिनरल से ही मिलके बनी होती है। सीधी सी बात ये है, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें आपकी बुक की, तो वो क्या कहती है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो बहुत ही सारी अलग अलग प्रकार की रॉक्स से मिलके बनी हुई है। यानी कि अर्थ क्रस्ट को वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स बनाती हैं। अब रॉक कैसे बनती हैं खुद, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी खनिज द्रव्यमान या खनिज, एक ऐसा द्रव्य खनिज पदार्थों का द्रव्यमान जो मिलकर अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसी को हम रॉक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पत्थर जो है सर, हम कहीं बाहर से तो ला नहीं रहे ना, किसी और ग्रह से या किसी और तरीके से, हम कहाँ से बना रहे हैं, जो एलिमेंट यानी कि जो मिनरल्स धरती पर हैं उन्हीं से हम पत्थर बना रहे हैं। और इजी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि रॉक क्या होती है, बहुत ही इजी डेफिनेशन यह होगी कि जो मिनरल्स होते हैं, जब वो मिनरल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से दबते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी कि एक हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लंप, LUMP, लंप। लंप का मतलब क्या होता है, गांठ बन जाना किसी भी चीज़ की, और इसी गांठ को हम रॉक कहते हैं। इसीलिए रॉक की जो साइज और शेप होती है वो हमेशा वेरी करती है। आपने देखा होगा कि आप एक पहाड़ पर जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारी ये नीचे रॉक पड़ी हुई है। कोई रॉक इतनी बड़ी हो सकती है, कोई हो सकता है इतनी बड़ी रॉक हो, कोई इतनी सी रॉक हो, छोटी छोटी। तो रॉक्स के जो साइज, टेक्सचर, कलर, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो रॉक किस टाइप के मिनरल से मिलके बनी हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा रॉक्स के बारे में। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई रॉक के बारे में, क्या रॉक्स कैन नहीं, होता ही है सर, कंपल्सरी है, मतलब देखने को मिलता है ऐसा कि डिफरेंट कलर, ठीक है, अलग कलर हो सकता है, डिफरेंट साइज हो सकता है, और टेक्सचर जो है वो भी उनका अलग हो सकता है। रॉक्स का, हर रॉक का अलग टेक्सचर हो सकता है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है। ये तो एक बेसिक चीज हो गई रॉक के बारे में, पर क्या रॉक और भी अलग टाइप के हो सकते हैं, क्या हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो बच्चों उसका आंसर है बिल्कुल हाँ, हम रॉक्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये रॉक्स हैं हमारी, हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करेंगे आगे चल के, तो आपको और ज़्यादा रॉक्स के बारे में स्टडी करने को मिलेगा, और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में तो आप बहुत ही डिटेल में चले जाएंगे। अब देखिए रॉक्स के बारे में बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। रॉक्स को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं सर किस कैटेगरी में, एक कहते हैं हम इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, देखिए इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दूसरी कौन सी होती है हमारी, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड होती है हमारी कौन सी रॉक सर, दो हो गई, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि तीसरी रॉक कौन सी है, नहीं पढ़ा तो यहां मैं बता ही रहा हूं आपको। तीसरी रॉक है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। ये होगी हमारी तीन टाइप की रॉक।
क्या हम इनको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल, हम इनको आगे भी सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पर किसको? सिर्फ इग्नियस रॉक को हम आगे और क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि इग्नियस रॉक को अगर हम आगे करें तो ये दो पार्ट्स में आ जाती है। कौन कौन से सर? पहला होगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और सर सेकंड होगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये होगी क्लासिफिकेशन। फटाक से ये अपनी कॉपी में लिखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आगे आपको इन सब के बारे में डिटेल में नोट्स बनवाता हूँ कि ये क्या होते हैं, और समझाता हूँ कि इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, और फिर लास्ट में जो हम समझेंगे वो समझेंगे रॉक साइकिल क्या होता है। तो इन सबको फटाक से लिखिए वीडियो पॉज करके। अब सर बात कर लेते हैं हम अपनी सबसे पहली और प्राइमरी रॉक जिसको हम कहते हैं, कौन सी? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है? हमारी एक प्राइमरी रॉक भी है। तो इग्नियस रॉक, IGNEOUS इग्नियस रॉक, इसके बारे में अगर मैं आपको और डिटेल बताऊं तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया शब्द है, LATIN लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ, जिसका मतलब होता है इग्निस, IGNIS, ठीक है। सिंपली आप ये समझिए। अब इग्नियस रॉक की खासियत क्या होती है सर? जो मोल्टन मैग्मा है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में अगर याद हो कि ये हमारी अर्थ क्रस्ट है जिस पर हम खड़े होते हैं, घूमते हैं, इसके नीचे हमारी लिथोस्फीयर है, ये हिस्सा लिथोस्फीयर है सर, यहाँ पे मेंटल है। मेंटल में क्या होता है? हॉट रिंग्स फ्लोट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म मैग्मा होता है जिसको हम मैग्मा भी कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से कुछ कहीं किसी डायरेक्शन में और कोई अलग अलग डायरेक्शन में भी फ्लोट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ये क्रस्ट है, अब मान लो यहाँ पे क्रैक आ गया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर फ्लोट करने वाली जो हमारी लिथोस्फीयर है उसमें क्रैक आ जाएगा, और क्या होगा, यहाँ से जो लावा है मैग्मा वो बाहर आने लगेगा। और जब ये मैग्मा बाहर आएगा सर क्रश से सरफेस पर, अर्थ के पहुंच जाता है क्रैक की वजह से, तो ये जमने लगेगा, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रॉक फॉर्म होंगी ना हमारी, उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? ये रॉक हो गई हमारी, इनको हमने क्या नाम दे दिया? इग्नियस रॉक। एक चीज़ पॉइंट वन ये क्लियर होना चाहिए आपको कि इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं, और सेकेंड चीज़ क्या है, इनको हम अपनी प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं, PRIMARY प्राइमरी, और ये ROC के रॉक, आपकी ये हो गई प्राइमरी रॉक। अब मैंने आगे एक और टर्म लिखवाई थी आपको कि जो हमारी इग्नियस रॉक है, फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू सब कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज कौन सी हैं बच्चों? वो कैटेगरीज हैं हमारी, याद कर लो यार, कॉपी देख लिया करो अपनी, वो हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो क्या लिखेंगे हम इसको? INTRUSIVE इग्नियस, IGNEOUS इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? देखो इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है, आपको अपने दिमाग में एक वर्ड घुसा लेना है बहुत कैड़ा करके, वो है इन। इनमीज क्या होता है? अंदर किसी भी चीज के। तो क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारी क्या थी सर आपकी, ये है हमारी लिथोस्फीयर, और नीचे मेंटल है जिसमें हमारा मैग्मा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉक कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी ये लिथोस्फीयर है इसमें क्रैक आया और इससे मैग्मा बाहर आने लगा, पर ये मैग्मा किसी भी तरह अर्थ के सरफेस तक ना पहुंचकर ये क्रस्ट में ही अंदर कहीं जगह बना के यहाँ पे जमने लग गया। और जब ये जमने लगा तो क्या होगा, ये बहुत ही तेजी से ठंडा ना होके धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं है, इसकी खुद की भी हीट बनी रहेगी। तो जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा, ये जो मैग्मा है ये काफ़ी लंबी सीट बनाएगा, एक बहुत ही लंबी सीट बनाएगा, बहुत ही बड़े ग्रेन्स होंगे इसके। तो इस तरीके से जो रॉक फॉर्म होंगी क्रस्ट के अंदर कहीं, उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। तो ये हो गई हमारी इंट्रूसिव रॉक। अब इसके बारे में मैं आपको क्या लिखवा सकता हूं, तो इसके बारे में एक सिंपल लाइन आप लिख लीजिए, द मोल्टन मैग्मा मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड अर्थ, और उसके बाद जो रॉक बनती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सर हम, बताओ,
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता वो आपका यहाँ डाउट रह गया होगा कि सर इग्नियस रॉक क्या है। तो आगे बात कर लेते हैं हम सेकंड फॉर्म की, यानी कि सब कैटेगरी, जो दूसरी हमारी कैटेगरी थी इंट्रूसिव के बाद। नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों हमारी एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव क्या होता है, अब यहां पर आपको यह वर्ड याद रखना है एक्स, एक्स मतलब बच्चों गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स का मतलब हो गया आपका एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब कि अर्थ के बाहर। कैसे, ये देखो ये तो हो गया हमारा अर्थ का सरफेस, वापस आ गए हम लिथोस्फेयर। अब तो बच्चों कह दो यार आपको रट गई, ये क्रस्ट, ये लिथोस्फेयर, नीचे क्या था मैग्मा, यानी कि ये मेंटल हो गया, यहाँ पे हमारा लावा क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, हमने ऐसा एज्यूम कर रखा है, ठीक है, अब घूम रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्रैक आया, ये क्रैक कुछ इतना तगड़ा था, यहाँ अर्थ क्यूब आ गया, मान लो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में प्लेट टकराई जिसकी वजह से अर्थ क्यूब आया और यहाँ पे एक क्रैक आ गया, यहाँ पे एक क्रैक आ गया और इस क्रैक में से क्या हुआ, लावा धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, और जब लावा बाहर निकला तो क्या हुआ, यहाँ पे ये बहुत ही तेजी से रैपिडली स्टार्टिंग कूल डाउन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ये बहुत तेजी से ठंडा होगा तो ये लंबी लंबी सीट्स रॉक के लंबे लंबे पत्थर ना बना के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा, क्योंकि ये लावा मान लो यहाँ से तो निकल रहा है सर 5000 या 4000 डिग्री सेल्सियस, और बाहर आते टेम्परेचर कितना होता है धरती पे, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 डिग्री हो सकता है, यहाँ कितना हो सकता है 42 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत तेजी से यहाँ लावा ठंडा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो सीटें वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बनेंगी, और इस तरीके से जो रॉक बनेंगी उनको हम बच्चों क्या नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो अब आप यहां लिख सकते हैं कि जब मोल्टन मैग्मा मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है, कॉमा का मतलब होता है कि हम इस लाइन को मैं मेन पॉइंट बता के सीधा नेक्स्ट लाइन पे शुरू करने वाले हैं, इसलिए हम कॉमा लगाते हैं, ये बात आप सब याद रखिएगा बच्चों। मोल्टन मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो क्या होता है, वो रैपिडली स्टार्ट कूलिंग, यानी कि बहुत ही तेजी से वो कूल होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट कूलिंग, और इस तरीके से जो रॉक बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं सर, उनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गया था, किसके अंदर, इंट्रूसिव रॉक के अंदर, उसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये तो एक्सट्रूसिव रॉक हमने कर ली, इंट्रूसिव रॉक में मैं एक पॉइंट भूल गया था बच्चों, तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है। तो ये जो रॉक बनती है ना अर्थ क्रस्ट के अंदर, हमने इंट्रूसिव रॉक में पढ़ा था क्रस्ट के अंदर रॉक बन रही है, जो मैग्मा है वो क्रस्ट के अंदर ही कहीं पे कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जो फॉर्मेशन होगी रॉक की, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के बाद एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है सर ग्रेनाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ग्राइंडिंग स्टोन हम घर में यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन यानी कि सिलवटना हिंदी में कहूँ तो, मैं आपको घरों में यूज़ होता है, आपके पता नहीं आज की जनरेशन यूज़ करती है नहीं, पर पहले यूज़ होता था, जिसको हम यूज़ करते थे किस लिए, फॉर प्रिपेयर प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर, किसका, स्पाइसेस का पाउडर तैयार करने के लिए, ठीक है। तो जो स्टोन हम यूज़ करते थे वो किसके होते थे, वो ग्रेनाइट के होते थे, और वो ग्रेनाइट क्या होती थी, वो इंट्रूसिव रॉक ही होती है, ठीक है। तो ये इंट्रूसिव रॉक के एग्जांपल हो गए हमारे, आपको पता चल गया इग्नियस रॉक क्या होती है, इसके दो पार्ट होते हैं इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक, दोनों को याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब आगे बात करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कि बच्चों सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। तो बच्चों अब बात करेंगे हम किसकी, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, SEDIMENTARY सेडिमेंट्री रॉक, एक वर्ड देखो आप ध्यान से, सेडिमेंट्री रॉक में पता चलता है कि ये सेडिमेंट से बनी हुई है। सेडिमेंट क्या होते हैं आपके सर, सेडिमेंट होते हैं हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो बनते हैं किस तरीके से, तो देखिए जो हमारी रॉक होती हैं वो क्या करती हैं, रॉक्स रॉक रोल डाउन, वो नीचे गिरती हैं, हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करती हैं वो, उसके बाद क्या करते हैं सर,
जिसकी वजह से क्या होता है दे एंड ब्रोकन डाउन इनटू, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इरोड होती हैं, वो इरोडेड होती हैं हवा की वजह से, बहुत सारे कारण की वजह से, देन एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होते हैं सर? कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाती हैं। अब क्या होता है, और ये जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, दीज स्मॉलर फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट क्या होते हैं अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये तो पता चल गया सेडिमेंट बनते किस तरीके से हैं, ठीक है बच्चों? अब ये देखिए आप यहाँ ड्राइंग में सीधे सा तरीका यही है, इजी तरीका आपको एकदम एक्सप्लेन करने का बहुत ही अच्छे तरीके से, वो ये है पहाड़। यार इस बार मैं बच्चों पूरी कोशिश करूँगा ड्राइंग ऐसी बनाने की ना आप खुश हो जाएं, कहें हाँ सर ने ड्राइंग बनाई है। ये है पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ है। अब इस पहाड़ पे यहाँ पे एक और पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा मान लो पहाड़ के बाद प्लान एरिया होता है ना, ये प्लान एरिया है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे है रामू चाचा का घर, और ये रहे रामू चाचा, और यहाँ कहीं पहाड़ों से बहती है कोई नदी, और यहाँ पे मान लो आप ये है हमारा समुद्र, और ये नदी क्या है इस समुद्र में आके मिलती है। अब यहाँ से पहाड़ से पत्थर आते हैं, यहाँ पे एक बड़ा पत्थर आया, फिर यहाँ पे ये टकराया, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो इनमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है, जिनको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, आपको शायद डॉट दिख रहे होंगे, ये डॉट, इनको हमने फ्रेगमेंट का नाम दिया। और ये जब पार्टिकल छोटे छोटे इस नदी में जाएंगे, ये धीरे धीरे बह के कहाँ पहुँच जाएंगे? ओशन में, या लो एरियाज जो होते हैं उनमें इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये लो लेइंग एरिया में पहुँच जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने कहा सेडिमेंट। अब इससे आगे की बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक और किस तरीके से बन सकती हैं। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक हैं, रॉक्स हैं, वो बनती हैं किससे? एक तो हमें पता चल गया कि इरोडेड मटेरियल किसका, जो माउंटेन्स का है और पत्थरों का है, उनसे बनती हैं। और ये भी हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हों जो वेस्ट बच जाता है किस चीज़ का, एनिमल्स और प्लांट्स का, उनसे भी रॉक फॉर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक। इसी कारण से जो सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पे पाई जाती हैं वहीं पे हम ऑयल और खनिज तत्वों की खोज करते हैं। उसका रीज़न ये होता है बच्चों, क्योंकि ये किससे बना होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक है वो किससे बनती हैं? एनिमल्स और प्लांट के वेस्ट से भी बनती हैं, जो विद इन अ टाइम ड्यूरेशन, एक समय अंतराल के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, वो खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोलियम वगैरह में बदल जाती हैं। अब क्या होता है आगे देखिए, अब क्या होता है ये जो फ्रेगमेंट हैं, ये जो एनिमल वेस्ट है, हवा से पानी के जरिए किसी ना किसी तरीके से लो लेइंग एरियाज में पहुंच जाता है। और वो लो लेइंग एरियाज जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लो लेइंग एरिया कौन कौन से हो सकते हैं हमारे बच्चों? एक ओशन, ओशन के बाद क्या हो सकता है हमारा? लेक्स और डेजर्ट, इन सब में ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब ये मान लो यहाँ पे एक लेयर इकट्ठी हो गई, ठीक है, समुद्र में कहीं पे एक, उसके ऊपर एक और लेयर इकट्ठी हो गई कुछ 100, 200, 300 सालों में, फिर क्या होगा, जो सबसे नीचे वाली मान लो, अब देखो इसको मैं इस तरीके से उठा रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ, तो आप ये समझो बच्चों ये समुद्र था हमारा, ये इसका बेस है समुद्र का तल, यहाँ ऊपर पानी बह रहा है। अब यहाँ धीरे धीरे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे एक लेयर बन गई पूरी, ठीक है, फुल हो गई, फिल हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर और पार्टिकल वाटर प्रेशर की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक रॉक में बन गई। उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, जितने पार्टिकल थे ये सब आपस में जुड़ गए और यहाँ पे एक रॉक फॉर्म हो गई। और ये जो रॉक फॉर्म हुई, इसी रॉक को हमने नाम क्या दिया बच्चों? इसी को हमने कहा सेडिमेंट्री रॉक। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो अब आगे बात करते हैं, हम थोड़ी और डिटेल में जाते हैं रॉक्स के बारे में। अभी आपकी एक और रॉक की फॉर्मेशन जानना बचा है, वो कौन सी है बच्चों? वो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो उसके बारे में जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है हमारी। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी जानकारी, अब मैं आपको अगर आप सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल दूँ तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, सैंडस्टोन,
आर फॉर्म फ्रॉम सैंड, सैंड स्टोन सैंड से बनती है, एक होता है मड स्टोन, आप गूगल पे सर्च करिए, नहीं तो इमेज आपको साइड में दिख रही होगी, मड स्टोन, जो मड स्टोन है सर वो किससे बना होता है, मड से बना होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए, ये फॉर्मेशन है। अब देखो और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि क्या करते हैं हम, हमने बहुत सारे पेचेस लिए, ठीक है, अब हमने इन पर बहुत प्रेशर डाल दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर, हल्का नमी, तो ये जो पेपर होते हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। इसी प्रकार से रॉक्स होती हैं, जब बहुत सारी लेयर इकट्ठी हो जाएंगी सेडिमेंट की तो वो एक पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगी और उसी को हम सर सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। अब बात करते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक की, कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। तो देखो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में थोड़ा जानने से पहले हेडिंग तो लिख ही दूँ, एक META मेटामॉर्फिक रॉक, जो हमारी कौन सी दो रॉक बताई थी, इग्नियस रॉक, रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, अंडर बच्चों किसमें, ग्रेट हीट एंड प्रेशर के चलते हुए। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है हमारी, जो इग्नियस रॉक होती है और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, जब ये किसमें रहती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और हीट के, हीट ग्रेट प्रेशर एंड हीट, ग्रेट प्रेशर अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हीट, जब ये ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी कि दबाव और हीट में रहती है तो ये चेंज हो जाती है, किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। अब एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी रॉक्स के जो चेंज हुए हों, किसमें, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक से कुछ, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जो इग्नियस रॉक से चेंज हुए, किसमें, आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे दिमाग में क्ले, क्ले चेंज इनटू स्लेट, अधिक तापमान और दबाव के चलते क्या होता है, जो क्ले है वो हमारी स्लेट में चेंज हो जाती है। उसके बाद जो हमारा लाइम स्टोन होता है, इमेज में देखिए लाइम स्टोन कैसा दिखता है, लाइम स्टोन होता है सर, वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है हमारा किस में, मार्बल में। अब मार्बल कौन सी सर, वही जो आप अपने घर में बिछाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों हम कि रॉक साइकिल क्या होती है। तो रॉक साइकिल की सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, वो कहती है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ रॉक इनटू अदर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको सर, हम उसको कहते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको कि रॉक साइकिल क्या होती है। अब किस तरीके से होती है रॉक साइकिल उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया, जब सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक को हम बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में रखते हैं तो वो किस में बदल जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। पर अगर उनको कंटिन्यूसली उस दबाव और तापमान में रखा जाए तो सर क्या होगा, वो वापस सबडक्शन होके कहाँ चली जाएंगी, मेंटल में। मेंटल में क्या होता है, हमने कहा वहाँ पे जो हमारी हॉट रॉक्स हैं वो फ्लो करती हैं और फिर धीरे धीरे से लावा बाहर निकल के आएगा। देखो कैसे, ये थी हमारी, मान लो ये है आपकी इग्नियस रॉक, ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक किस में चेंज हो गई सर, ये हो गई मेटामॉर्फिक रॉक में, किसकी वजह से हो गई, मेटामॉर्फिक, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, ये हो गई मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज,
किसकी वजह से? हीट एंड प्रेशर की वजह से, हीट एंड प्रेशर की वजह से। अब अगर ये प्रेशर और हीट लगातार बना रहे तो ये क्या होगी, ये मूव हो जाएगी किसमें, लिथोस्फीयर और मेंटल के पास पहुंच जाएगी, यानी कि दबाव बढ़ रहा है तो ये रॉक दबाव से नीचे जाती जा रही है और हीट और प्रेशर की वजह से नीचे चली गई, और फिर धीरे धीरे मेंटल में ये जाके हॉट रॉक की तरह फ्लो करेगी, फिर वापस एक टाइम के बाद कोई क्रैक आएगा, उसमें से लावा बाहर निकलेगा, फिर दोबारा इग्नियस रॉक बनेगी, वो फिर टूटेगी, सेडिमेंट्री रॉक में परिवर्तित होगी, और सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक में बनेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों, इसी को हमने क्या कहा है, इसको ही हमने रॉक साइकिल कहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा क्लोज, इससे रिलेटेड मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, पर आपकी बुक में साइड में छोटे छोटे कुछ बॉक्स बने हुए हैं जिसमें बहुत काम की जानकारी दी गई है, तो उस जानकारी को भी एक बार आपको याद दिला देना चाहिए। बीइंग अ टीचर, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉच यू एवरीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। सो गाइज, लेट्स बिगेन। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी और जो गहरी माइन है, माइन क्या होती है, खदान, ठीक है, वर्ल्ड डीपेस्ट माइन कहाँ पर है सर? अफ्रीका में है। और कितनी डीप है ये, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई जो है वो है लगभग 4 किलोमीटर, और यहाँ पे इंजीनियर्स ने, हर इंजीनियर यार तूफान लाता है, तो यहाँ पे इंजीनियर्स ने लगभग 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा, यानी कि डग अ डीप, डग मीन्स क्या होता है, खोदना किसी भी चीज़ को, ठीक है, याद रखना बच्चों, डग अ डीप होल इन सर्च ऑफ ऑयल, तेल की सर्च में यहाँ पे एक बहुत ही गहरा गड्ढा कर दिया ये चीज़। और जो धरती की गहराई है हमारी, यानी कि ये धरती है, सरफेस से केंद्र तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो है 6000 किलोमीटर, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यहाँ तक पहुँच पाना इंसानों के लिए असंभव है। तो आप बोलेंगे ये सारी सर जो जानकारी अब तक आपने दी कहाँ से मिली? वैसे तो आप इसके बारे में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम अभी बता देता हूँ, जो मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉयड होते हैं वो भी कभी प्लानेट में फॉर्म्ड होने थे पर नहीं हो पाए, तो उनकी स्टडी करके हमने अंदाज़ा लगाया, यानी कि साइंटिस्ट जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है हमारी धरती भी कुछ इसी प्रकार से बनी हुई हो। तो इससे हमें पता चलता है कि धरती का इंटीरियर कैसा है, और सीस्मिक वेव जो होती हैं भूकंप की वजह से जो तरंगें होती हैं उनकी वजह से भी पता चला कि धरती अंदर से कैसी होगी उन तरंगों को स्टडी करके। तो इस तरीके से हमें धरती के इंटीरियर का पता चला, लेकिन एक्चुअल में हम इतनी गहराई में धरती में नहीं जा सकते। आगे की बात करते हैं। अब देखिए, जो हमारा अर्थ है इसके 3 मेन पार्ट हैं, वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अर्थ, जो अर्थ का क्रस्ट है वो कंसिस्ट करता है 0.5% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ का टोटल वॉल्यूम, अर्थ क्रस्ट जो कंसिस्ट करता है वो 0.5% है, जो बाकी का बचा वो मेंटल कंसिस्ट करता है, मेंटल जो है वो 16% वॉल्यूम, कोर जो है हमारा वो अर्थ का 83% वॉल्यूम कंसिस्ट करता है सर। जो हमारा अर्थ है उसका रेडियस की अगर हम बात करें वो कितना है, अर्थ रेडियस आपको पता होना चाहिए अगर ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट है, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है बच्चों, 6371 किलोमीटर, ये हो गया हमारा अर्थ का रेडियस। अब हमने बात करी थी यहाँ पे कुछ वर्ड्स की, शब्दों की, जैसे कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, और हमने बोला था क्या आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो इग्नियस वर्ड है IGNEOUS, इग्नियस वर्ड, इसको लिया गया है बच्चों लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है इग्नियस। जो हमारा सेडिमेंट्री, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री जो वर्ड है इसको भी हमने लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये बताने का जो रीज़न है ना आपको, वो कारण ये है बच्चों कि इन शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा कि ये नाम इनको दिए क्यों गए हैं। एक्चुअल में इस लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है सेडिमेंटम, SEDIMENTUM, सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। तो सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, अब सेडिमेंट के बारे में तो आपको पता है ना, जो फ्रेगमेंट होते हैं, कड़ होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, इसीलिए हमने सेडिमेंटम वर्ड लिया जिसको हमने चेंज कर दिया सेडिमेंट्री में। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का मतलब बच्चों क्या होता है, मेटामॉर्फिक जो है पहले तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है, इसका मतलब मेटामॉर्फोस, मेटामॉर्फोस, और इसका अगर आप अर्थ देखें तो वो है चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म। और हमने क्या देखा कि जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, वो चेंज हो जाती है किसमें, मेटामॉर्फिक
मॉर्फिक रॉक में, और यही इसकी खासियत है, परिवर्तन। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों, 20 मिनट का चैप्टर जो था आपका, पूरी डिटेल से समझाने के चक्कर में लगभग एक घंटे का हो गया, पर उम्मीद है कि ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको ये क्लास बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, कम से कम 10 बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें, अगर आपका कोई डाउट है आप लाइव वीडियो कॉल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूछ सकते हैं। हर संडे को मॉर्निंग में आपको फ्री वीडियो कॉल क्लास दी जाएगी, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लास नोट्स के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइज, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। टेक केयर गाइज़।